जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के साथ लगते शीशा माटी चौक पर बिजली बोर्ड के द्वारा बिजली की तारों को दुरुस्त करने का कार्य किया जा रहा था। इसी दौरान अचानक एक मजदूर को बिजली के खंभे पर करंट लग गया और वह बिजली के खंभे पर ही लटक गया। उसके साथ काम करने वाले युवकों ने भी उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन अधिक झुलसे होने के कारण उसे नहीं निकाला गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके की नजाकत को देखते हुए अग्निशमन कर्मियों को भी बुलाया। अग्निशमन कर्मियों के द्वारा भी कड़ी मशक्कत के बाद युवक को खंभे से नीचे उतारा गया और एम्बुलेंस में डालकर उसे अस्पताल भेजा गया। इस दौरान करीब 20 मिनट तक लोगों का जमावड़ा भी लगा रहा और मौजूद लोगों ने बिजली बोर्ड की कार्यप्रणाली से नाराज होकर नारेबाजी भी की। बताया जा रहा है कि बीते दिनों हुए तूफान के चलते बिजली की तारों का नुकसान हुआ, जिसे ठीक करने के लिए किसी ठेकेदार के पास कार्यरत यह युवक काम कर रहा था। अभी सूचना मिली थी कि यह एक आदमी जो है ऊपर पोल पे जो है टंगा हुआ है, उसको इलेक्ट्रिक शॉट लगा हुआ है। तो पुलिस ने जो है यहाँ आके देखा, तो पुलिस और फायर की गाड़ी आई थी, फायर वाले जो और कुछ एक लोकल्स लोगों ने उसको जो है बड़ी मशक्कत से नीचे उतारा है। अब उसको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया है। अब जैसा भी अभी अनकॉन्शियस है, जैसा भी कार्रवाई जैसा भी सूरत होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। ये जो बंदा ये कैसे चढ़ा, इन चीज़ों पर सभी चीज़ों पर इंक्वायरी की जाएगी कि क्या काम कर रहा था, क्यों चढ़ा और किसकी अप्रूवल से ये चढ़ा हुआ है। उज्ज्वल हिमाचल के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट।